थाना किसनी क्षेत्र में एक युवक द्वारा घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया। पूरी घटना थाना किसनी क्षेत्र के नगला भूपति से जुड़ी है। यहाँ के रहने वाले 32 वर्षीय प्रवीण और शेर सिंह पुत्र राम नरेश ने बीती देर शाम घर के कमरे में उस समय पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जब घर के सभी लोग घर से बाहर थे। परिजन जब घर पहुंचे तो उसके कमरे का दरवाजा लगा हुआ था। परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोई प्रतिक्रिया ना आने पर परिजनों को चिंता हुई, तो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो प्रवीण पंखे पर फांसी के फंदे पर लटका मिला और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक के सबको फांसी के फंदे से नीचे उतारकर सबको कब्जे में लिया और सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। वहीं घटना के बाद से परिजनों ने बताया कि प्रवीण शराब पीने का आदि था और शराब के नशे में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। फिलहाल घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये मृतक आपके कौन थे? हमारे भतीजे यार, मेरे क्या? बड़े भाई का लड़का है। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए, कैसे क्या हुआ? वो शराब पिए थे, शराब पीने पर वो अपने सब लोग बाहर बैठे थे, शराब पी के घर में घुस गया, उसने लगा लिया के कमरे में जाके लगा ली फांसी। जब हम लोग भाई लोग अंदर गए तब देखा अंदर से गेट कुटी लगी हुई थी, हाँ झूठ गया था। फिर जो है पुलिस इन्फॉर्मेशन की, पुलिस आई मौके पर, उसके बाद जो है शराब के नशे में फांसी लगा ली है। कब की घटना आई? कल शाम 8 बजे।